दुर्व्यवस्थाओं के बीच मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन। मिर्जापुर दुर्व्यवस्थाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां विंध्यवासिनी के चरणों में मत्था टेका। अपराह्न करीब 3 बजे सूबे के मुखिया पुरानी VIP से होटल रत्नाकर पहुंचे, जहां से अभिलंब मां विंध्यवासिनी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचकर मां के चरणों में विधिवत पूजन किया। दर्शन के पश्चात पंडा समाज के कुछ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का अंगवस्त्र व माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जिला प्रशासन व पुलिस की लोग मौजूद भीड़ के आगे बिल्कुल बेबस नजर आए। सुरक्षा की कमान ADG जोन वाराणसी ब्रजभूषण शर्मा ने खुद संभाल रखी थी। उनके साथ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर संजय वर्मा इत्यादि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखी गई। मंदिर परिसर में 3 घंटे पूर्व सील कर दिया गया था, पर जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे वैसे ही दर्जनों की संख्या में बाहरी लोग पहुंच गए। दर्शन पूजन पशुपतिनाथ मिश्र ने कराया। उक्त अवसर पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, सांसद अनुप्रिया पटेल, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र इत्यादि सैकड़ों भाजपाई मौजूद रहे। दर्शन के पूर्व अष्टभुजा डाक बंगले में विंध्य कॉरिडोर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना पर जल्द कार्य करने का निर्देश जारी किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी स्थानियों को पीड़ा न पहुंचने पाए। माँ विंध्यवासिनी के इस पावन धाम में गोपाष्टमी के पवित्र कार्यक्रम में विंध्य क्षेत्र को 5 PHL की परियोजना के शुभारंभ के लिए और आज गोपाष्टमी के पावन कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद से को नमन करते हुए आप सबको गोपाष्टमी के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जिन्होंने आज इस विंध्य क्षेत्र में आकर के विंध्य क्षेत्र की सदियों की पुरानी मांग को आज पूरा करने में अपना योगदान दिया है। मैं आप सबको बधाई दे रहा हूँ। आज 2995 गांवों को 5555 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पाइप पेयजल परियोजना, उनके घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने की परियोजना का प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया है और इस जिससे मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये पवित्र कार्य गोपाष्टमी के अवसर पर हो रहा है और हमें गोपाष्टमी के अवसर पर यहाँ पर इस गौश्रय स्थल पर माँ गाय माता की पूजा करने का एक सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के मान्य जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, अनेक कार्यक्रम यहाँ पर एक साथ शुरू हुए, न सिर्फ परिवारों को, खासतौर पर कुपोषित परिवारों को निराश्रित दो आश्रय स्थलों से एक एक गाय उपलब्ध कराने की व्यवस्था, 11 परिवारों को सुविधा यहाँ पे प्राप्त हुई। देखिए, शासन की योजना है लेकिन उसके बारे में जानकारी न होने के कारण लोग उसका लाभ नहीं ले पाते। वे 11 परिवार अगर नियमित रूप से अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा गाय का दूध पिलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कुपोषण कुपोषित से सुपोषित वे बच्चे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर बचपन किसी का स्वस्थ हुआ ये मान करके चलिए कि न केवल उस बच्चे का बल्कि समाज का और अन्यथा राष्ट्र का भविष्य भी उज्ज्वल हुआ। लेकिन उसको हम ये मना माने कि वही परिवार उसके लिए जिम्मेदार है, समाज को भी और पूरे राष्ट्र को इसकी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी मिशन को पूरे देश के अंदर लागू किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक विशेष योजना हम लोगों ने कुपोषित परिवारों के लिए लागू की है। एक गाय माता के कारण पुण्य भी अर्जित हो रहा है, गौ सेवा भी हो रही है और कुपोषित से सुपोषित बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। हम सबको इस परंपरा के साथ जोड़ना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने यह भी व्यवस्था बनाई है कि जितने भी निराश्रित गाय हैं जो जहां तहां सड़कों पर घूमती हैं, जहां वहां फालतू घूमती हैं, कोई उसका देखने वाला नहीं है, हम ये गौ आश्रय स्थलों पर लेकर के आएंगे, वहां पे उसका एयर टेक करेंगे,
और फिर उन सभी गायों को अगर कोई किसान अपने घर में रखने को तैयार होगा तो 900 रुपये प्रति गाय का उसे हर महीने भी देंगे, बशर्ते वो उस गाय की सेवा करेगा और प्रति माह हम उसकी समीक्षा करेंगे। बृहद पैमाने पर एक कार्यक्रम चल रहा है निराश्रित को आश्रय स्थलों में। अब तक हमारे पास लगभग 5.5 लाख से अधिक गाय है और किसानों को भी हम लोगों ने 64,000-65,000 से अधिक गाय अब तक वितरित की है। कई हजार परिवारों को तो अब तक कुपोषित परिवारों को भी दुधारू गाय उपलब्ध कराने में सफल हो चुके हैं। एक बड़ा अभियान चल रहा है और इस बड़ा अभियान के कारण मुझे लगता है कि गौ माता की रक्षा होगी। गोपाष्टमी का ये पर्व हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं यहाँ की ग्रामीण आजीविका से जुड़ी हुई स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनों को हृदय से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ड्रेस बनाने में बहुत बड़ा काम किया। अब उनके द्वारा पोषण वाला राशन भी पंजीरी भी घर घर वितरण के कार्यक्रम में अपना योगदान दिया जा रहा है। साथ साथ